अदिति, ये फाइल चेक करो और शाम तक मुझे रिपोर्ट करो। कौन है मुझे ब्लॉक करने वाला है? मैं तेरे को ब्लॉक करती हूँ हर तरफ से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर तरफ से। क्या हुआ इस बार? कौन था? कुछ नहीं यार, ये लड़कों के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए। कौन, मेहुल? नहीं यार। तो कौन, सौरभ, अनुराग? नहीं बे। तो कौन? वो पीछे बिल्डिंग वाला है ना, सलमान खान। वही कौन? अरे वही जिम वाला, उसके चक्कर में मेरे 5,000 रुपये डूब गए। सोची थी पटा के सारे पैसे वसूल लूंगी, पर कमीना कमिटेड निकला। उसको कब पटा ली? अरे यार क्या बताऊँ, क्या बॉम्ब लगता है। उसको पटाने के लिए जिम ज्वाइन कर ली मैंने। इतने दिनों तक सब ठीक चल रहा था और आज पता चला कि लड़का कमिटेड है। तो आप ये लड़कों का चक्कर ही बेकार है। सही है तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ती है। आज के बाद मैं भी नहीं पढ़ूंगी, और अगर मैंने किसी लड़के को देख भी लिया ना तो मैं 3 महीने का रेंट मैं पे करूंगी। कौन है जो तुझे बार बार मैसेज कर रहा है? दिखा तो। लड़का है सो, ये पूरा पागल हो गया। इंस्टा पे सारी पिक लाइक कमेंट कर दिया ना, बार बार मैसेज कर रहा है। ओहो शोहेब, बंदा तो मस्त लग रहा है। कौन है, कहाँ मिली, करता क्या है, सिंगल है, अपनी सिटी का है? तो फिर शुरू हो गई ना। कुछ देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं लड़कों को देखूंगी नहीं, मैं ये वो ब्ला ब्ला, अब क्या हुआ? बता ना। आज ही तो इंस्टा पे फॉलो किया है, आई डोंट नो कौन है। रिप्लाई अभी सही तो लग रहा है, तुझे नहीं पसंद तो बोल, मैं तो सिंगल हूं अभी, वैसे भी मेरे 5,000 रुपये निकलवाने हैं। जी हाँ, हो गया तेरा। चल लाइट ऑफ करनी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। तू तो एकदम बोरिंग है। चल गुड नाइट। Thank you.
क्या हुआ मेरी जान, 2 दिन से देख रही हूँ अपसेट लग रही है। जिया, आई थिंक मैं उसे पसंद करने लगी। अरे वाह, चल कुछ तो सीखी मेरे से। पर यार वो सोहेब का मैसेज नहीं आया 3-4 दिन से। मुझे पता था ये लड़कों की यही प्रॉब्लम, शुरू शुरू में आगे पीछे घूमते हैं और जब भाव दे दो तो अपनी औकात दिखा देते हैं। मैं मिली नहीं हूँ उससे। क्या? मैं मिली नहीं हूँ सोहेब से अब तक। इतने दिनों से बात कर रही है और मिली ही नहीं है, और प्यार हो गया। खोई हो तुम, काम पे ध्यान दो। मिस्टर पटेल का अपॉइंटमेंट मिल गया है, प्रेजेंटेशन रेडी करके रखो। सोहेब, काश मैं तुम्हें एक बार मिल पाती, तुम्हें बता पाती जो मैं तुम्हारे लिए फील कर पा रही हूं। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं की थी जो मैंने तुम्हारे लिए किया। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तुमने मेरे हर बातों को सुना, मुझे समझा। पता नहीं, शायद मैं ही ऐसा सोचती हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी दोस्ती को शायद मैंने गलत समझ लिया, शायद इसमें तुम्हारी गलती ना हो, शायद तुम मुझे भूल चुके होगे, पर मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही। तुम जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो, यही विश करती हूँ। अदिति परेशान है, तुम्हें नहीं लगता उसके साथ कुछ गलत हुआ है? बट मैं क्या करती, मुझे कोई समझ नहीं पाता। जब मैंने तुम्हें पहली बार बताया था तब तुम्हें भी हंसी आ गई थी। अगर मैं अदिति को बताती कि मैं एक लड़की हूँ तो वो मुझसे प्यार नहीं करती। जब मुझे ऐसा लगा कि नाम बदल करके उसकी फीलिंग के साथ खेल रही हूँ, तब मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। बट मैं क्या करती, प्यार जो करती थी उससे।
फिल्म कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ये आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाय।